बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाखे की रेसिपी, और जो कि सुहाल की तरह ही बनता है, लेकिन सुहाल सिर्फ नमकीन होता है और यह शाखे जो होती हैं वो हल्की हल्की सी मीठी होती हैं। तो जिसके लिए ये ले लिया है 1 कप मैदा। आप आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से ये ज़्यादा बढ़िया बनता है। तो देखिए, ये मैदा ले लिया है मैंने, और इसमें हमने पहले से ही शक्कर डाल दी है। शक्कर अब इसमें 3 चम्मच या 4 चम्मच डाल देते हैं। टीस्पून से डाला है हमने, 4 टीस्पून। उसके बाद हमने इसमें डालेंगे घी, और जो कि हम डाल चुके हैं पहले से। तो घी हमको इतना डालना है जैसे कि मोयन हम डालते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, समोसा या सुहाल, तो उतना ही हमको इसमें मोयन डालना है। तो सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। शक्कर आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, और मेरे पास पिसी नहीं थी तो मैंने खड़ी डाल दी। तो ये देखिए, 1 पिंच इसमें नमक चला गया, और नमक से भी इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो हमेशा मीठी चीज़ जब भी बनाए थोड़ा सा नमक इसमें डाल दें एक चुटकी। और देखिए, मोयन बस हमको इतना रखना है कि इस तरह से हाथ में ले करके और बाइंड करेंगे, मुट्ठी बन जाए बस, और इससे ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसको गूंद लेना है, और एक टाइट सा डो बनाएंगे, जैसे कि सुहाल में डो बनता है उस तरह से बनाएंगे, क्योंकि सुहाल और शाखे दोनों ही क्रिस्पी क्रिस्पी होती हैं, तो ये सॉफ्ट बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। अगर आप आटा सॉफ्ट रखेंगे तो सुहाल या शाखे जो भी आप बना रहे हैं या समोसा, तो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आटा जो हम गूंद रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइट गूंदेंगे। तो देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे, और डो अब एकदम रेडी है। तो हम दिखा रहे हैं, देखिए, इसको इतना ही रखना है। अब इसको हल्का सा ऑयल लगा के और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देते हैं। अच्छा, तो देखिए, अब हम डो का जो है एक रोल जैसा बना लेते हैं, और इसका एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का पेड़ा लेके और इस तरह से रोल बना लेंगे। फिर इसके छोटे छोटे से पेड़े हम इसको काट लेते हैं, और इस तरह से हमें इसकी एक छोटी सी पूरी टाइप की बना लेनी है, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली हो, मीडियम हम रखेंगे इसको। तो देख लीजिए, इतना हमने मोटा रखा है। और अगर ये पूरा गोल नहीं भी मिल रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें हम इस तरह से कट लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा छोड़ेंगे और थोड़ा सा नीचे का छोड़ के इस तरह से कट लगा देना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट लगा दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और हल्का हल्का सा उंगली से इसको प्रेस कर देना है। तो देखिए, इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, और इधर ऑयल जो है गरम कर लिया है पहले से, तो हमें एकदम लो मीडियम ऑयल पे इसको फ्राई करना है। और जितने हम लो पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो देखिए, ये मैंने डाल दिया है, और इसको हम एकदम लो फ्लेम पे, और ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में थोड़ा सा हम इसको मीडियम कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हमको इसे फ्राई कर लेना है। और शुरू में हम इसे नहीं चलाएंगे, बस हमको तेल में इसको डाल करके, तेल में भी फ्राई कर सकते हैं आप और घी में भी फ्राई कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर देखिए, जब नीचे से देख लेंगे कि नीचे का गोल्डन फ्राई हो गया है, तो इसको हमने पलट दिया है, और बस इस तरह से इतना ही हमें इसको गोल्डन करना है। और जब दोनों तरफ से ये गोल्डन सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और देखिए, अब ये रेडी हो गया, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो फोक से हम इसको ऐसे करके देखेंगे, इसमें क्रंची क्रंची सी आवाज़ आएगी। और देखिए, इसको तोड़ के भी हम दिखा रहे हैं, तो ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए
हाथ में थोड़ा लग रहा है, और ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये क्रिस्पी थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये अचाखे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दुआ मुझे याद रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट दें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक मज़ेदार सी रेसिपी।